हमारी जगह के महत्वपूर्ण एनएच में से एक, गढ़वाल की बहुप्रतिष्ठित सड़क में से एक, पुरानी टिहरी सड़क सामने की ओर है। यह वही सड़क है आपको पुरानी टिहरी शहर की तरफ लेकर जाती थी कभी किसी ज़माने, और आज की डेट में टिहरी लेक की तरफ लेकर जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थानों की तरफ भी लेकर जाती है। यह सीनिक पॉइंट किस किस को ध्यान है? चलो, ध्यान नहीं आ रहा होगा आप सभी लोगों को, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम, सबसे पहले मैं तीरथ सिंह रावत आप सभी लोगों को तह दिल से प्रणाम करता हूँ। आज भी आपके उज्जवल भविष्य की तह दिल से कामना कर रहा हूँ। एक और चीज़ आप सभी लोगों को दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, जय घंडियाल देवता के मंदिर का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। शाम के समय में कल सुबह मैं वहाँ पर जाऊँगा और एक छोटी सी प्रस्तुति आप सभी लोगों के बीच में ज़रूर लेकर आऊँगा। अब चलते हैं इस जगह की ओर। ये देखिए दोस्तों, एक साल पहले अपनी कुछ वीडियो में मैं इस जगह का जिक्र कर चुका हूँ। ग्राम पंचायत अकल के दुश्मनों में के हाथ में, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी और आपने मेरा विलेज डंडासरी करके मेरा एक कंटेंट देखा होगा, तो उसमें मैं इस जगह का जिक्र कर चुका हूँ। यह हमारे गांव का बहुप्रतिष्ठित पानी का स्रोत है, बहुप्रतिष्ठित दोस्तों, और इसका नया निर्माण हुआ है हाल ही में। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पास में चलते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। ये देखिए, ये रीलिंग भी नहीं है, देख रहे हो? मैंने एक बात रखी थी कि जुलाई अगस्त के महीने में जब मॉनसून आता है ना, यहाँ पर पानी का जो स्तर है ना, बहुत बढ़ जाता है, और वो पानी यहाँ से इधर की ओर आता है, इधर गिरता है वो पानी, और तब क्या होता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे समस्या पैदा होती थी, सैलाब बन जाता था पानी का, और यहाँ से पानी का जो निकास स्थान है, पानी का निकास नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर कबाड़ उबाड़ फंस जाता था। पानी का निकास होता है नीचे की ओर। ये देखिए, यहाँ पर इस पाइप के जरिए पानी निकलता है बाहर, उस स्रोत से जो हमारे पानी का स्रोत है। लेकिन अब देखेंगे आप तो अब नज़ारा कुछ और ही है। ये देखिए, टाइल लग चुकी है, इधर भी टाइल लग चुकी है, यहाँ पर संगमरमर की प्लेट के जरिए कार्य का नाम, जिन लोगों की बदौलत यह स्थान बना है उनका नाम भी दिया गया, जसवाल सिंह श्रीसवाल, सदस्य क्षेत्र पंचायत कोट, श्रीमती अनीता पंवार, खंड विकास अधिकारी चंबा, श्रीमती शिवानी बिष्ट, प्रमुख विकास खंड चंबा। और संगमरमर की प्लेट में, काले पेंट में, यार ये बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है यार, मज़ा आ गया इसको देखते ही। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5-स्टार रिजॉर्ट का हिस्सा है। देखिए ना, खुद देखिए आप ये जगह कितनी बढ़िया लग रही है। साथ ही साथ यह पेड़, इस पेड़ का जिक्र भी मैं पहले कर चुका हूँ, यह वह पेड़ है यह कभी किसी ज़माने पुराने टिहरी शहर से लाया गया था और यहाँ पर बोया गया था। इसमें मनियार के काफ़ी लोगों का बचपन बीता गया है, काफ़ी लीजेंडरी लोगों का बचपन बीता है यहाँ पे। मेरा बचपन बीता है इस पेड़ पे, मेरे साथ के जितने भी गाँव के भाई बंदे हैं उनका भी बचपन इस पेड़ में बीता है, और आज की डेट में इस पानी के स्रोत की स्थिति बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इंसान के वश में, इंसान के पास अधिकार है कि कुछ निर्जीव चीज़ों को पुनः जीवित कर पाए, तो ज़रूर कीजिए। इसकी स्थिति देखिए, 10-12 साल से इसका कोई निर्माण नहीं होता, और आज की डेट में देखिए ये स्रोत कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं एक बात और बता चुका हूँ आप सभी लोगों को पहले भी, यह पानी का स्रोत पता कैसा है, यहाँ पर पानी का सीन क्या है, सर्दियों के समय में यह पानी गुनगुना रहता है। मैं नहाया यहाँ पे, मैंने कपड़े भी धुले। ये देखिए कितनी शांति है इस जगह पे, कितनी शांति है दोस्तों, और ये जगह आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं एक चीज़ आज आप सभी लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, चंबा के चौक की, चंबा के चौराहे की इतनी वैल्यू नहीं है जितने मेरे गांव डंडासली उत्तरी उत्तराखंड की वैल्यू है। यह गांव चंबा का सबसे ज़्यादा खास गांव में से एक है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गांव बेकार है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। आप भी अपने गांव के लिए आगे आइए, आवाज़ उठाइए,
बातें रखी है लोगों के सामने इस सोशल मीडिया के जरिए, जरूर रखिए। मैं आपकी आपकी जगह को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। ये मनियार है, ये हमारा मनियार है और इसमें काफ़ी गांव आते हैं। चंबा बाद में, पहले हमारा पट्टी मनियार है। उम्मीद करता हूँ मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी बातें बता चुका हूँ। तो ज़्यादा ना कहते हुए वीडियो को ज़्यादा शेयर दीजिए, लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।